बड़ा जबरदस्त व्यू आएगा। ऊपर से ठंड इतनी ज्यादा है ना, क्या बताऊं मैं आपको, और फॉग की वजह से सांस भी फूलती है बहुत ज्यादा। फिर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू फ्रेश व्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तो जी चले जी नई व्लॉग की शुरुआत करते हैं, और आज अहमद को रहना पड़ेगा घर में अकेले अकेले, है ना अहमद जी। तो आज अहमद को अकेले रहना पड़ेगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ गुलमर्ग, और वहां अहमद जा नहीं सकता क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, दूसरी बर्फ पड़ रही है, तो बहुत छोटा है अभी, तो अभी इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बस एक दिन रहना पड़ेगा अहमद को मेरे बगैर, और कल मैं वापिस। आपने क्या बोला था? क्या ना अहमद ने बोला था, अंधेरे रात में वापस, अंधेरे रात में नहीं रहना, मतलब कि अंधेरे में नहीं रहना, वहां पे वापस आ जाना शाम को ही। तो ये अहमद की लैंग्वेज, अहमद ने बोला था आपको मेरी लैंग्वेज समझ आई, मैंने बोला अंधे दिन तक नहीं रहना। हाँ अंधे दिन तक नहीं रहना, एग्जैक्टली अंधे दिन तक नहीं रहना। उसका मतलब बताऊं क्या होता है, एक दिन के लिए नहीं रहना। चलो जी अभी निकलते हैं, आकिब अमर भाई जो है मार्केट में वेट कर रहे हैं। अहमद जी मैं जाऊं, थोड़ा करो आगे, एक मैं जाता हूं। मैं सुबह हूं, मैं अंधेरे दिन में वापस आऊंगा। नहीं अंधेरे दिन का होता है मतलब, अच्छा। एक दिन के लिए नहीं रहना, दो दिन के फिर मैं एक दिन के लिए रहूंगा वापस आ। डन, अभी मार्केट तक अबू के साथ बाइक पे जाएंगे, और वहां से फिर दोस्तों के साथ हम लोकल जा रहे हैं, हमारे पास गाड़ी साथ नहीं है, वो बाद में बोलूंगा क्यों। अभी सब लोग जो है करियावा पार्क के पास वेट कर रहे हैं, वहीं से हमें गाड़ी लेनी है टंगमर के लिए। तो जी ये हमारी गाड़ी, आज हम जा रहे हैं सोमो में, ये वाली गाड़ी में, क्योंकि भाई हम क्यों इस वाली गाड़ी में जा रहे हैं, हमारे पास दो तीन गाड़ियां हैं, आपके पास भी, अमीर भाई के पास भी। वो वहाँ पे नहीं चढ़ते है ना, अच्छा बहुत ज्यादा स्लो फॉल है। अस्सलाम वालेकुम, इस वाली गाड़ी में हम टंगमर तक जाएंगे, और टंगमर से फिर दूसरी गाड़ी मिलेगी हमें गुलमर्ग के लिए। अच्छा होटल क्या है? अच्छा बुक तक कितने जिगर किन साउंड में छे बुक छे सच्ची मतलब ये प्लानिंग कर रहे हैं, अभी कोई प्लान नहीं किया इन लोगों ने। अभी जी हम पहुंचे हैं टंगमर्ग, और यहाँ आते ही बर्फ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त शुरू हो गई है, गुलमर्ग में तो इससे ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। अब यहाँ से दूसरी गाड़ी में जाना है जी हमें गुलमर्ग की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह जी गुलमर्ग पहुंच गए हैं, और यहाँ पे ठंड इतनी ज्यादा है, और साथ में बर्फ भी हो रही है। बाकी भाई इतना तीर है, और यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा है, एक दो फीट तो होगी होगी। अब हमें होटल पहले बुक करना है, होटल लेना है। भाई कहाँ जाना है? इस तरफ से जाना है। चलो बाकी भाई चलो, और बर्फ बड़ी मस्त हो रही है यहाँ पे, बड़ी मस्त। अभी जी आए थे हम यहाँ पे होटल बुक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे होटल्स फुल है। अब चलो घर वापस, या तो होटल करके दो, मैं मर रहा हूँ ठंड से। ठंड की इंतहा है यहाँ पे, इंतहा भाई। अभी जी हम होटल ही ढूंढ रहे हैं, और लेट भी बहुत हो गया है, अभी जल्दी से जो देखना है 4:10 हो चुके हैं ऑलरेडी। और ये व्यू कुछ ऐसा है यहाँ का, बड़ा ज़बरदस्त। अभी देखते हैं, अगर लाइट ऐसी रही तो ड्रोन फ्लाई करेंगे, बड़ा जबरदस्त व्यू आएगा। फिलहाल तो हमें ट्रैक करना पड़ रहा है होटल के लिए। यहाँ देखो वेदर कैसा हो गया, पूरा फॉग, कुछ भी नहीं दिख रहा है सामने का, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, देखो सब अब धुंधला दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और अभी तक हमें होटल नहीं मिला है, कम से कम 15-20 होटल हमने देख लिए, कुछ भी नहीं मिला।
अभी हट देखने के लिए आए, क्या पता कोई हट मिल जाए। यहाँ बहुत भीड़ है आज, ऊपर से ठंड इतनी ज्यादा है ना, क्या बताऊं मैं आपको। और फॉग की वजह से सांस भी फूलती है बहुत ज्यादा फिर। और ये हट जो है ऊपर पहाड़ पे बनाए हुए हैं, इनके लिए चढ़ना पड़ता है थोड़ा, तो इससे हालत खराब हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी होटल बुक हो गया है, अभी पहले कुछ खाते हैं और फिर रेस्ट करने जाते हैं। होटल हमने ग्लोबल बुक किया है, वो यहीं पे है रास्ते में, नज़दीक में ही, मार्केट से नज़दीक ही है। तो अभी पहले कुछ खाते हैं और फिर रेस्ट करते हैं। तो जी खाना खा लिया है, अभी चलते हैं जी रूम पे रेस्ट करने के लिए। और ये देखो शाम का नज़ारा गुलमर्ग का, बड़ा ज़बरदस्त। बेग ढाबा, इंडियन चाइनीज एंड कश्मीरी, यहीं से हमने जो है खाया है। चलो ब्रदर शुक्रिया, टेक केयर, सुबह से हमको या चीर इंशाल्लाह, डिनर भी बने से, चलो चीर से हमको इंशाल्लाह। ये देखो अभी शाम का नज़ारा कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है, मौसम भी क्लियर हो गया, अभी ड्रोन उड़ा नहीं सकते, इंशाल्लाह नेक्स्ट कल उड़ाएंगे। यह जी हमारा होटल ग्लोबल, यहीं पे हमारा रूम है, शुक्र है कि मिल गया। हाँ मेरे भाई, मैंने बोला शुक्र है अल्लाह का कि मिल गया, वरना टंगमर्ग जाना था वापस। हाँ यार, और कल आप देखो यहाँ से ड्रोन शॉट्स के आएंगे, बड़ा कमाल के इंशाल्लाह, यहाँ से ड्रोन शॉट्स लेंगे कल। यह जी आज का हमारा छोटा सा रूम, यहाँ ये रूम भी इतना कॉस्टली है आजकल, 9-10 हज़ार के रूम्स मिलते हैं। और यहाँ से लेकिन व्यू आप देखो क्या कमाल का है भाई, ये देखो बहुत कमाल का व्यू है यहाँ से, ज़बरदस्त। यहाँ बहुत भीड़ है आज। ओके भाई, कैसा लगा आज आपको बहुत टाइम बाद वापस गुलमर्ग आके विंटर में? बहुत ही अच्छा, जबरदस्त था, मजा आता है ना। हाँ। ये विंटर देख के स्नो इतना सा, अभी तो स्नोफॉल हो रही है, अभी तो स्नोफॉल हो रही है, कल सुबह देखेंगे इंशाल्लाह क्या होगा। अभी जी हम निकले हैं थोड़ा राउंड करने के लिए और यहीं से डिनर भी करेंगे। और अभी -5 है यहाँ पे, बर्फ भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा डाउन है, -5 -6 -6 -6, बहुत 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 टेम्परेचर डाउन है। आकिब साहब के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, कश्मीरी कश्मीरी तरीका, ट्रेडिशनल तरीका, तशनर, बिस्मिल्लाह। मगर आपका तो सोना इसी से जबरदस्त तरीका हूँ देख वाला। तो जी हमारे लिए है, आमिर साहब के लिए और मेरे लिए चिकन कांती नान, लेकिन हमारे आकिब साहब यहाँ भी अपना ट्रेडिशन नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, राइस आपको चाहिए और ग्रेवी आपको चाहिए। तो जी अभी हम ट्राई करने वाले हैं गुलमर्ग की चिकन कांती। वैसे यहाँ चिकन आते आते ठंडा हो जाता है क्योंकि यहाँ अभी टेम्परेचर जो है वो -6 है, -6। तो चिकन थोड़ी सी, ये चटनी ये दही पे बनती है, गाजर और मूली इसमें, थोड़ी सी ये वाली चटनी और थोड़ा सा प्याज। तो जी इस व्लॉग को भी यही खत्म करने का टाइम आ गया। आई होप आपको किसी भी रीजन से आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के व्लॉग में बस इतना ही, अल्लाह हाफिज। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें आपको भी ऐसे दोस्तों के साथ बैठ के ये पल एंजॉय करने में मजा आता है या नहीं। वैसे ये पल दोबारा वापस आ जाते हैं लेकिन ये पल हमेशा के लिए याद रहते हैं, हमेशा के लिए आपके साथ रहते हैं।